जय दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में बात करते हैं एमएड से संबंधित। एमएड के कोर्स के बारे में जानेंगे, कितने साल का कोर्स है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और एमएड करने के बाद फायदे क्या हैं, एमएड करने के बाद बच्चा कौन सी जॉब में अप्लाई कर सकता है और साथ ही साथ एमएड के बाद क्या आप पीजीटी में यानी कि 10+2 के टीचर बन सकते हैं, अगर बनेंगे तो किस सब्जेक्ट में बनेंगे। और एक प्रमुख समस्या ये होती है दोस्तों, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, बीएड के बाद एमएड करने के लिए वापस बच्चा इस एज में रहता है कि वो फिर से घर से पैसे मांगने में थोड़ा सा असहाय ऑकवर्ड फील करता है। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था है, क्या ऐसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज हैं जहाँ पे कम से कम फीस में, लगभग जीरो फीस में भी एमएड किया जा सकता है, अगर हाँ तो कैसे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे क्या एमएड के बाद से पीएचडी, नेट, जीआरएफ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं एमएड कोर्स की बेसिक चीज़ें। तो चलिए, दोस्तों पहली बात करते हैं एमएड की बेसिक चीज में। तो एमएड के बेसिक कोर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, एमएड एक एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन, ये एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के लिए आपने बीएड कर लिया होगा, ठीक है। तो बीएड करने के बाद जब आप एमएड करते हैं, कुछ और भी एलिजिबिलिटी है उस पर बात करेंगे, पहले एमएड के बारे में बात कर लें कि एमएड दोस्तों 2 साल का कोर्स होता है। अगर आपने बीएड करके किया तो 2 साल का कोर्स होगा। इन 2 साल के कोर्सेज में एमएड की अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने यूनिवर्सिटी से कोर्सेज कराती हैं, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का अपना एमएड का कोर्स होगा, इसके अपने एंट्रेंस एग्जाम होंगे, इसके अपने एडमिशन के प्रोसेस होंगे। सिमिलरली दोस्तों, अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद या फिर प्रयागराज यूनिवर्सिटी हो, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, बुंदेलखंड झांसी यूनिवर्सिटीज हो, छत्रपति साहू जी महाराज मेरठ यूनिवर्सिटी हो, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो या फिर आजमगढ़ यूनिवर्सिटी हो, सभी विश्वविद्यालय दोस्तों अपने अपने स्तर पे एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, फॉर्म भराते हैं और वो एडमिशन कराते हैं, ठीक है। एमएड की जो एडमिशन है, कोर्स है दोस्तों, 2 साल की होती है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है। केवल अवध विश्वविद्यालय में यहाँ पे ईयरली एग्जाम होता है, मैं जिस विश्वविद्यालय को जानता हूँ इन सभी विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, जबकि दोस्तों अवध विश्वविद्यालय में ईयरली एग्जाम होता है, 2 साल में 2 एग्जाम होंगे। तो ये बात हो गई दोस्तों कोर्स की और एग्जाम्स की और इसके ड्यूरेशन की। अब आइए हम खास बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, कि कौन बच्चे इसके योग्य होंगे। तो बिना किसी डाउट के अगर आपने बीएड किया है तो बिना किसी डाउट के यू आर एलिजिबल फॉर एमएड एडमिशन। इसके अलावा अगर किसी ने बीए बीएड, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंटीग्रेटेड कोर्सेज कराती हैं, 5 साल का बीएड बीए बीए बीएड, इसमें बीए के साथ साथ बीएड कर लिया जाता है या फिर बीएससी बीएड, तो इस तरीके के जिनों बच्चों ने किया है वो भी एलिजिबल होते हैं एमएड के लिए। अब एक सवाल आता है कि क्या जिन बच्चों ने डीएलएड किया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, कि क्या वो बीएड के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। मैं आपको एक नोटिस दिखाता हूँ, जब लखनऊ विश्वविद्यालय एमएड में एडमिशन ले रही थी तो उसने ये नोटिस जारी किया था और इसमें साफ तौर पे लिखा है दोस्तों, अगर कोई बच्चा डीएलएड किया है विथ एन यूजी प्रोग्राम, विथ एन यूजी कोर्सेज, जिसके पास डीएलएड है और साथ ही साथ उसने ग्रेजुएशन भी किया है, तो दोस्तों वो भी लखनऊ विश्वविद्यालय में एमएड के लिए आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने ये यहाँ पे सूचना जारी करी थी। तो यहाँ तक बात हो गई दोस्तों एलिजिबिलिटी की और यहाँ तक बात हो गई एडमिशन की। अब हम आ जाते हैं मुख्य पॉइंट पे, एक वो पॉइंट है कि एमएड करने के फायदे क्या हैं। अगर आप उससे पहले ये जानना चाहते हैं कि एमएड को कम फीस में कहाँ से किया जाता है, तो आइए उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं कि एमएड को कम फीस में आप कहाँ से कर सकते हैं। तो अगर हम फीस की बात करें तो मैक्सिमम फीस हर एक विश्वविद्यालय, जैसे लखनऊ के विश्वविद्यालय में सेमेस्टर एग्जाम होता है तो हर एक सेमेस्टर की 20,000 रुपये फीस है, यानी कि 1 साल का 40,000 फीस है, ठीक है। ये प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, अगर आप सरकारी कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपकी फीस 10,000 या 12,000 होती है। सिमिलरली हर एक विश्वविद्यालय के इतने ही कोर्स होते हैं। अवध विश्वविद्यालय के फर्स्ट ईयर में 60,000 एक साल का फीस है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्री में कहां से कर सकते हैं या फिर कम से कम पैसे में कहां कर सकते हैं। देखिए, अवध विश्वविद्यालय जब एंट्रेंस एग्जाम कराता है या कोई भी विश्वविद्यालय जब एंट्रेंस एग्जाम कराता है तो अपने टॉप के बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट करता है, यूनिवर्सिटी या कैंपस अलॉट करता है, तो यहाँ पे फीस बहुत कम होती है। जैसे अवध विश्वविद्यालय में एक रायबरेली में एक कॉलेज है जिसकी एमएड की फीस मात्र 3,000 रुपये है। जी हाँ, अगर आप टॉप के रैंक में आते हैं, टॉप 10 में आते हैं, तो वहाँ पे आप केवल 3,000 रुपये में एमएड कर सकते हैं। इसके अलावा केएनआई एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे एमएड की फीस केवल 12,000 रुपये है, ठीक है। तो 12,000 में भी एक साल में आप बीएड कर सकते हैं, जबकि सेकेंड ईयर का और कम है। तो इस तरीके से जो टॉप के कॉलेजेस होते हैं हर एक यूनिवर्सिटी में, वहाँ की फीसें बहुत कम होती है, 10,000 के आसपास होती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाता है, तो आपके पैसे वहाँ से रिटर्न हो जाते हैं। पहली तो फीस कम होगी, दूसरा आपका स्कॉलरशिप रिटर्न हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका फीस जीरो हो जाएगा। लेकिन
ये केवल उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है जिनकी टॉप के रैंक में आते हैं। जैसे मैं अवध विश्वविद्यालय को ट्रैक करता हूँ तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए टॉप 30 के अंतर्गत आना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टॉप 10-20 के अंतर्गत आना पड़ेगा। इस तरीके से बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। चलिए यहाँ तक बात हो गई फीस के बारे में, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है दोस्तों कि इसके फायदे क्या हैं, कहाँ कहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, आप कहाँ किस फील्ड में करियर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले खास रिक्वेस्ट ये है कि मैं भी एक एमएड का स्टूडेंट हूँ, तो अगर आपको कभी भी फ्यूचर में एमएड से संबंधित कोई सुझाव या कोई मशवरा चाहिए या फिर किसी कॉलेज के बारे में आप पता करना चाहते हैं या फिर पूछना चाहते हैं कि कैसे आप कहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, आपके करियर में क्या अच्छा हो सकता है, तो नो डाउट बिना किसी डाउट के आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बेहतर से बेहतर अपनी समझ से सलाह दे दूंगा बिल्कुल फ्री, कभी पैसे की बात नहीं होगी, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एमएड करने के फायदे क्या है। क्या आपको पता है कि अगर आपने एमएड किया है तो आप पीजीटी के टीचर बन सकते हैं, मतलब आप 10+2 में भी पढ़ा सकते हैं। अभी आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा, क्या एमएड के बाद भी 10+? तो जी हाँ, एमएड के बाद भी आप 10+2 में टीचर बन सकते हैं। अब आपने अगर कोई टीचर वैकेंसी देखी होगी पीजीटी की, तो 10+2 में अक्सर जो वैकेंसीज आती हैं वो सब्जेक्ट वाइज आते हैं कि मैथ के मुझे इतने टीचर चाहिए, इंग्लिश के इतने टीचर चाहिए, हिंदी के इतने टीचर चाहिए। ठीक उसी तरह इस वैकेंसीज में एक ऑप्शन रहता है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा शास्त्र। तो जिन बच्चों ने एमएड किया है बिना किसी डाउट के दोस्तों एजुकेशन से वो पीजीटी के टीचर बन सकते हैं। मतलब अगर आपने एमएड किया ना तो एजुकेशन से इंटरमीडिएट के 11th और 12th के टीचर आप बन सकते हैं बिना किसी डाउट के। एक और आपके लिए ऑप्शन होता है, वो है साइकोलॉजी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिबेटेबल है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज या मोस्टली रिक्वायरमेंट तो अलाउ करती हैं कि एमएड के बाद आप डायरेक्ट साइकोलॉजी के 10+2 में टीचर बन सकते हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ पे एक और डिमांड कर दिया जाता है कि आपके ग्रेजुएशन में भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी मोस्टली केसेस में नहीं होता, लेकिन ये भी एक लिए आपके लिए ऑप्शन रहता है कि आप एजुकेशन और साइकोलॉजी के टीचर बन सकते हैं। एजुकेशन में तो कोई डाउट मत रखिएगा, आपकी ग्रेजुएशन में एजुकेशन हो या ना हो, एमएड आपने कर लिया है तो एजुकेशन से आप पीजीटी दे सकते हैं, आप बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। साइकोलॉजी से भी बन सकते हैं, कभी कभी रिक्वायरमेंट में ये चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं कि आपका एजुकेशन होना चाहिए, सॉरी आपके लिए साइकोलॉजी होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन। तो पीजीटी लेवल पे आपके पास दो ऑप्शन हो गए 10+2 को पढ़ाने के लिए, कि आप एजुकेशन भी पढ़ा सकते हैं और आप साइकोलॉजी भी पढ़ा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी बात पीजीटी लेवल की। अब इसके ऊपर चलते हैं, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं एमएड करने के बाद। दोस्तों एमएड करने के बाद आप नेट जीआरएफ एजुकेशन से दे सकते हैं, एजुकेशन से आप नेट जीआरएफ दे सकते हैं। और जीआरएफ अगर आप क्रैक करते हैं, वास्तव में ये है क्या, जैसे बीएड के बाद आप सीटेट का एग्जाम देते हैं ना, टीचर एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वैसे ही एक नेट का एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट करके होता है। अब जब आप इसको क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, अगर अच्छा रैंक आता है तो आपको जीआरएफ क्वालिफाइड माना जाता है। अब यहाँ पे आप पीएचडी कर सकते हैं, जब आप पीएचडी करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा अमाउंट में फेलोशिप मिलता है, लगभग हर महीने के 30-35 या 35 लगभग 40,000 तक भी मिलते हैं। तो आप सोचिए, आपने एमएड किया, एमएड के बाद नेट और जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद, जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हर महीने आपको 35,000 रुपये भी मिल रहे हैं, तो आपकी पीएचडी भी पूरी होती जाएगी। और ये भी अच्छा, जीआरएफ के लिए बहुत हाई रैंक चाहिए, अगर वो नहीं हो पाता है, आपने केवल नेट ही क्वालिफाई किया है, तो इस नेट के बेस पे भी आपका नेट के बेस पे आप जब प्रोफेसर्स के लिए वैकेंसीज आती है, जैसे मान लीजिए किसी भी विश्वविद्यालय में या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में बीएड और डीएलएड को पढ़ाने के लिए टीचर की वैकेंसीज निकलती है, प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलती है, तो आप इस नेट क्वालिफाइड होने के बाद आप उसको आवेदन कर सकते हैं कि मैंने बीएड किया है, एमएड किया है और मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, तो इस बेस पे आप आवेदन कर सकते हैं प्रोफेसर बनने के लिए। तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आसानी से बीएड और डीएलएड के टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने एमएड कर लिया, नेट और जीआरएफ आपसे क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, हालांकि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपसे आसानी से हो सकता है, एटलीस्ट आप कट ऑफ तो क्लियर कर ही लेंगे, फिर भी अगर मान लीजिए आपसे नहीं क्वालिफाई हो पाता है तो फिर क्या होगा दोस्तों, फिर भी आपके पास एक ऑप्शन आता है, वो ये है कि आप बीएड और डीएलएड के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। जब भी प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, जैसे मान लीजिए आपने कहाँ से किया था बीएड, आपने प्राइवेट कॉलेज से किया था ना, जो आपके टीचर हैं उनकी योग्यता डेफिनेटली उन्होंने एमएड किया होगा, तो अगर आप एमएड कर लेते हैं तो इस तरीके के कॉलेज में प्राइवेट में भी जाके आप पढ़ा सकते हैं, यहाँ भी ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है। अगर आप प्रोफेसर बन गए गवर्नमेंट तो फिर तो लाखों की सैलरी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तब भी आपको ठीक ठाक अमाउंट में सैलरी आपको मिल जाती है, 25-30 हज़ार अप्रॉक्स मैं कह सकता हूँ, बाकी वो तो डिपेंड करता है कि आप कितने योग्य हैं, आप क्या प्लेस रखते हैं उस कॉलेज में, उस हिसाब से आपकी सैलरी वहाँ पर डिसाइड होगी। एमएड करने के बाद एक और ये फायदा हो गया, ठीक है, कि आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं।
अब इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। जितनी आवश्यक जानकारी थी वो डेफिनेटली आपको मिल चुकी है, एक खास रिक्वेस्ट के साथ। देखिए, आपने जहाँ से बीएड किया या डीएलएड किया ना, आपको पता है कि बहुत ही कम रेगुलर क्लास आना या क्लास जाना हुआ होगा, या फिर आपने बहुत कम टीचर अपने कॉलेज में देखे होंगे। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होने वाला है, फ्यूचर में इस चीज़ को लेकर बहुत कड़ाई होने वाली है, खासतौर पर टीचर एजुकेशन को लेकर, ट्रेन टीचर एजुकेशन को लेकर। तो फ्यूचर में दोस्तों बहुत ही कम या कोई भी ऐसा आपको बीएड कॉलेज नहीं मिलेगा जहाँ पर प्रॉपर टीचर ना हो। तो फ्यूचर में बहुत ही अच्छा स्कोप आने वाला है एमएड स्टूडेंट के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि हर एक स्टेट में एक टीचर एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज खुलने वाली है, टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी। अब जब ये यूनिवर्सिटी खुलेगी तो ये खास तौर पे इसी पे फोकस करेगी कि टीचर को कैसे ट्रेन किया जाए या कैसे टीचर को ट्रेन दी जाए, कैसे टीचर को पढ़ाया जाए। तो इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है एमएड को लेके। तो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, फ्यूचर बहुत ही अच्छा है एमएड के स्कोप को लेके। तो जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे भीड़ आपको कम मिलेगी, लेकिन कॉम्पिटिशन थोड़ा सा टफ होगा, क्वेश्चन लेवल आपके अच्छे होंगे। तो बस एक खास रिक्वेस्ट के साथ कि जिन्होंने बीएड किया है दोस्तों, अगर आपके पास मौका है, समय है, घर से सपोर्ट है, पैसे को आप मैनेज कर सकते हैं, तो जरूर आप एमएड में एडमिशन लीजिए, एमएड करिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अगर समय चल रहा है तो अपनी डिग्री को कम से कम बढ़ाइए ताकि आपके पास मौके और खुलते जाएं, क्योंकि आप सबको बताया कि बीएड को पीआरटी से बाहर करने के बाद एक बहुत बड़ा क्राउड केवल इस बीच में रह गया है 6 से लेकर 10 तक। तो इस बीच के क्राउड को तोड़ते हुए आपको बाहर निकलना है तो आप एमएड कर लीजिएगा। तो ये हो गई संपूर्ण जानकारी दोस्तों एमएड के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई क्वेश्चन, कोई सुझाव, या हो सकता है मेरी तरफ से कोई भूल या चूक हो गई हो, उसे भी आप कमेंट में बताइएगा ताकि मैं अपनी सुधार करूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों किसी भी अन्य जानकारी के लिए, अन्य संबंधित से संबंधित जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे अन्य जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।